आपके सामने आज कबीर के साथ थोड़ा बुल्ले शाह का कलाम प्रस्तुत करेंगे। तो कबीर और बुल्ले शाह रूबरू होंगे, कुछ पीसेज में हमने उनको एक साथ वीव किया है उनकी पोइट्री को। तो पहला जो कलाम है वो उसमें बुल्ले शाह कहते हैं, रांझा रांझा कर दी हूँ मैं आप पे रांझा हुई, कि रांझा का नाम लेते लेते मैं खुद रांझा बन गई हूँ, ऐसा हीर कहती है। तो जो बुल्ले शाह के कलाम में हीर और रांझा का बहुत जिक्र है, और हीर और रांझा की प्रेम कहानी आप सबको पता है पहले से, वो एक नहीं हो पाए थे, बट उनके अंदर जो तड़प थी एक होने की, उसे उन्होंने अपने कलाम में बहुत खूबसूरती से जाहिर किया है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे बात हो रही है आत्मा और परमात्मा की, जो आत्मा की तड़प है परमात्मा के साथ एक होने के लिए, उसे इस कलाम में जाहिर करते हैं। रांझा रांझा कर दी गुण में आपे रांझा होई, सद्दो नी मैनू धी दो रांझा हीर ना आँखों को, अब मुझे हीर कह के मत पुकारो, मुझे अब रांझा कह के ही पुकारो। आगे कहते हैं कि रांझा रांझे दे विच मैं रांझे विच वैर ख्याल ना कोई, अब मैं और रांझा एक हो गए हैं, अब और कोई गैर ख्याल नहीं है। मैं नहीं मतलब अब मेरी ईगो, मेरे अंदर जो मैं है वो है ही नहीं, जो कि सूफी पोइट्री का सब जो सार है वो इस वर्स में है कि मैं नहीं हूँ आप पे अपनी, आप करे दीजिए, तो ऐसा इस कलाम में कहा है। और आखिरी अंतरे में ये भी कहते हैं कि तख्त हजारे ले चल बुल्लिया, तख्त हजारे रांझा का गांव था, उसके गांव का नाम था तख्त हजारा। तो कहते हैं कि तख्त हजारे ले चल बुल्लिया स्याली मिले ना ढूंढी, हीर जो थी वो स्याल उसका जो ट्राइब था वो स्याली थी। तो कहते हैं मुझे स्याल में बिल्कुल कुछ सांत्वना नहीं मिलती, मुझे अब तख्त हजारे ले चल, ऐसा इस कलाम में कहते। गांजा थोड़ा बढ़ा दीजिए। रांझा रांझा
पंजाबी गीत है। हाँ। उसके लिए खास